click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? स्टेटरी कॉर्पोरेशन का मीनिंग समझा था और स्टेटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स देखे थे. यस, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स अगेन. तो हम लोग ये वीडियो में क्या देखने वाले हैं? डीमेरिट्स ऑफ स्टेटरी कॉर्पोरेशन. So, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो, हमने डीमेरिट्स यहाँ पे एनुमरेट किए. अनफॉर्चुनेटली इसका कोई कोडवर्ड बन नहीं सकता है, यहाँ वहां करके अभी देखा, बट इसका कोई कोडवर्ड है नहीं. बट यस, रिमेंबर रखने के लिए मैं आपको ठीक से टेक्निक दूंगा. अगर वो हेड पॉइंट समझ जाओगे तो अंदर का आराम से लिख पाओगे. यस, सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. हमने बोला था कि देखो पॉलिटिकल, आपको एक कंफ्यूजन भी होगा, सर मेरिट में तो आया था कि यहाँ पे कम इंटरफेरेंस है, बट यहाँ पे इंटरफेरेंस तो है. आप ये नहीं समझ रहे हो कि गवर्नमेंट कम इंटरफेरेंस करेगा, बट उतना भी कम नहीं होगा जितना प्राइवेट सेक्टर में होता है. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस का और कोई चांस ही नहीं. अगर आपने हाँ कुछ झोल किया है, अगर स्टेटरी लॉज का कुछ झोल किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कुछ झोल किया है, तो ही प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ेगी, वरना पड़ेगी ही नहीं. यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल तो है बॉस. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जितना नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो डायरेक्टली कौन संभाल रहा है? कंसर्न मिनिस्ट्री. इसके लिए यहाँ पे रोल उतना ज्यादा नहीं होगा, बट यस, गवर्नमेंट यहाँ पे भी इंटरफेरेंस करेगा. आपके डिसीजन मेकिंग में भले वो पार्ट ना ले, बट आप आंसरेबल तो रहोगे. अगर कुछ भी गलत हो गया, यू विल बी आंसरेबल टू द कंसर्न गवर्नमेंट, दैट इज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में आप पे सवाल आएंगे कि यार आप इतना अच्छे से बिजनेस किया, आपको ऑटोनॉमी दिया, फिर भी आप लॉस मेकिंग क्यों, फिर भी आपने करप्शन क्यों किया, ये सब देखा जाएगा. सेकेंड डीमेरिट इज रिजिडिटी इन नेचर. अगेन आपको कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि सर मेरिट्स में तो लिखा था फ्लेक्सीबिलिटी, हियर इट इज रिजिडिटी. ये क्या है डिफरेंस? रिजिडिटी मतलब क्या? देखो हर जगह पे नहीं होता, बट LIC आप देखोगे तो कितने सालों से बिजनेस कर रहा है, बट फिर भी लॉस मेकिंग है. इट इज वन ऑफ द मेजर लॉस मेकिंग स्टेटरी कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कितने सालों से है LIC, फिर भी देखो लॉस मेकिंग है थोड़ा तो. यस, तो इसके लिए क्या है? रिजिडिटी इन स्टैट्यूट. जितना लॉ स्टैट्यूट रहेगा, रिजिड रहेगा, वही हिसाब से इसको काम करना है. देखो, इट इज एन एक्ट सेटअप बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगा ये कॉर्पोरेशन के लिए, उसके अंडर ही उसको, उसके दायरे में ही उसको काम करना है. अगर वही रिजिड रहेगा, वो अपडेटेड नहीं रहेगा, तो क्या होएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन को भी रिजिडिटी, कॉर्पोरेशन को भी रिजिडिटी फॉलो करना पड़ेगा उसके ऑपरेशन में. इन एफिशिएंसी, अगेन ये भी आपको लगेगा सर उसमें तो मेरिट था एफिशिएंसी, डीमेरिट क्यों है इन एफिशिएंसी? देखो स्ट्रेंथ बनाना है, वीकनेस बनाना कॉर्पोरेशन पे डिपेंड करेगा. यस, अगर समझो कोई नया चेंजेस आ रहा है एक्ट में, कोई तो नया चेंजेस आ रहा है, या तो कुछ तो कंस्ट्रेंट दिए है, अगर वो उसको ठीक से यूटिलाइज कर पाएगा इट इज मैरिट, अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा इट इज डीमेरिट. आपने देखा होगा अगर LIC, अगर कभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाओगे तो आप देखोगे आपको ठीक से जवाब नहीं मिलेगा. आप यहाँ से वो, ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट, यहाँ से वहाँ आपको थोड़ा तो भगाएंगे. तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिखता है? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखता है एंड इनएफिशिएंसीज दिखते हैं, जिसको ओवरकम किया जा सकता है. यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज अगर ढंग से काम करे, ढंग से सर्विस दे, तो ये इनएफिशिएंसी को क्या किया जा सकता है? ओवरकम किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर्स नीड्स आर अननोन समटाइम्स. देखो कस्टमर को क्या चाहिए, R&D उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर करता है. प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारे पैसे डालता है उसके R&D में, कंज्यूमर के लाइक्स डिसलाइक्स जानने में, आपको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट देने में. उतना गवर्नमेंट, ये स्टेटरी कॉर्पोरेशन उतना डिटेल में क्या करता है? आपके लिए R&D नहीं करता. आपने देखा होगा बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल देखोगे, और बहुत सारे रेलिगेयर इंश्योरेंस देखोगे, मैक्स बुपा लाइफ इंश्योरेंस देखोगे, तो ये सब इंश्योरेंस कंपनीज है. उन लोग कितना, मतलब आप देखोगे तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. आपको नहीं चाहिए रहेगा तो भी आपके साथ मीटिंग फिक्स करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये पॉलिसी में ऐसा है, वो पॉलिसी में ऐसा है. दे प्रोवाइड इमेंस फंड्स फॉर R&D एंड कस्टमर केयर, कस्टमर के लिए डे टू डे सर्विस, उनके डोर स्टेप पे सर्विस प्रोवाइड करने का काम प्राइवेट सेक्टर करेगी, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न विद द कस्टमर सर्विस. उसके लिए उन लोग प्रीमियम चार्ज भी करते हैं.
यहाँ पे प्राइसेस थोड़े कम होते हैं, प्रीमियम थोड़ा कम होता है, इसके लिए क्या होता है सर्विस भी थोड़ा लैकिंग होता है, इसके लिए R&D पे खर्चा नहीं होता, कस्टमर के लाइक डिसलाइक पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और इसके लिए क्या हो जाता है अननोन रह जाता है कि कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का नीड ढंग से समझने में प्रॉब्लम हो सकता है स्टेटरी कॉरपोरेशन को। देखो डीमेरिट सही है, डीमेरिट्स को ओवरकम भी किया जा सकता है, अगर ठीक से ध्यान दोगे तो डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे ओवरकम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेस। देखो वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स, LIC अगर समझो n नंबर ऑफ एजेंट रख रहा है बट उसको हर एक एजेंट से उतना बिजनेस ही नहीं आ रहा है, हर एक एजेंट उतना पॉलिसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो एजेंट्स को कम करो ना, क्यों इतने सारे एजेंट्स लेके बैठे हो। यस एग्जाम्पल है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप ठीक से उतना जितने एजेंट्स है उसके सामने उतने इंश्योर्ड नहीं आ रहे तो वो एजेंट को क्या करो, एजेंट्स को नंबर ऑफ एजेंट्स कम कर डालो ताकि आपका सैलरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता और क्या हो जाता है वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन देखोगे तो अगर समझो मैंने आपको जैसे बोला लॉस मेकिंग कंपनी है बहुत टाइम से LIC, तो अगर LIC लॉस मेकिंग ही रहा डोंट यू थिंक सो मोटिवेशन आएगा ही नहीं। देखो हर एक बिजनेसमैन का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, बट अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। यस तो उसके लिए प्रॉफिट मेकिंग होना पड़ेगा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए आपको पॉली थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या, इसके लिए तो ये सब डीमेरिट्स है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं है स्टेट्यूट, पार्लियामेंट जो इनको पावर देता है वो एकदम रिजिड वे में देता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा कम देता है, इसके लिए क्या हो जाता है गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, नॉट एज गुड एज इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बट यस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है लोग ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन यू कैन गो रिलेट दिस पॉइंट विद रिजिडिटी इन स्टेट्यूट, प्रॉब्लम इन फ्लेक्सिबिलिटी, आपको लॉ ने दिए हुए है पावर, ऑटोनॉमी दिया हुआ है बट वो ऑटोनॉमी भी एक विद इन कुछ एक बाउंड्रीज दिया हुआ है, यस वो भी एक दायरे में आपको ऑटोनॉमी दे के रखा है, उसके ज्यादा बाहर आप नहीं जा सकते। लास्ट पॉइंट सुटेबिलिटी, यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल होगा जो लार्ज इन नेचर है, जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं चल सकता, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही यहाँ पे चल सकते हैं, RBI बोलो LIC बोलो ये सब एक मेमथ है, बड़े से कंपनीज है जो ये सूटेबल फॉर्म में हो सकते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ना। यस यहाँ पे उन लोग नहीं हो सकते, सूटेबल नहीं हो सकते। यस सो ऑल दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या डीमेरिट्स। यस डीमेरिट्स में हमने देखा, अगर मैं समरी में बोलूँ तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो ज़्यादा होता है, रिजिडिटी इन स्टेट्यूट जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ मोटिवेशन, करप्शन, कंज्यूमर्स नीड्स आर अननोन समटाइम्स, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रॉब्लम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स ऑल फॉर डीमेरिट्स ऑफ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे विद गवर्नमेंट कंपनीज, यस गवर्नमेंट कंपनीज को हम डिटेल में समझेंगे। होपफुली आपको स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट समझ में आए होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।